आइए अब चलते हैं ऊना जिले की ओर। भेड़ पालकों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊना जिला मुख्यालय में आज विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। पशुपालन विभाग और वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में पशु चिकित्सकों ने भेड़ पालकों को उनके पशुधन में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भेड़ पालकों का अहम योगदान रहा है, ऐसे में इस कारोबार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना और उनकी मांगों को पूरा करना प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। इन दिनों भेड़ पालक पहाड़ी क्षेत्रों से उतर करके प्लेन के क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में आते हैं, तो उस समय उनको जानकारियां मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं, डॉक्टर्स उनको गाइड कर दें, तो उस दृष्टि से जो आज प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उन्हें बताया गया है कि पशुओं को क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उनका क्या क्या इलाज है, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखें, ताकि ये जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, जो पूरे प्रदेश में साल भर आते जाते रहते हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं, उनके पशु ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा सहयोग है इन भेड़ पालकों का, तो उनको आज इन सब बातों की जानकारी दी गई है। शिविर के दौरान वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से भेड़ पालकों की समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। मोटे तौर पर ये जयराम ठाकुर जी सरकार का एक प्रयास है कि हर दृष्टि से हर वर्ग के लिए समुचित तरीके से कदम उठाए जाएं, और उसी दिशा में ये जो आज भेड़ पालकों के जो कार्यक्रम के लिए जो सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम है, इसमें हम पूरे प्रदेश भर के जो सर्दियों की चारगाहों में हिमाचल के निचले क्षेत्रों में लोग आते हैं, उनसे हम एक कैंप के रूप में उनसे सबसे मिलते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी समस्या का निवारण करते हैं, और जो सरकार उनके लिए कदम उठा रही है उनकी उनको जानकारी देते हैं।